हेलो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, मेरे सासू माँ के मायके से आंवला आया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं आंवले का कौन सी डिश आपको शेयर करूं। वैसे तो आंवले की बहुत सारी डिशेस बनती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए, तो दोस्तों आज मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाना बताऊँगी। ये मैंने 1 किलो के करीब आंवला लिया है दोस्तों। बाज़ार में भी नवंबर दिसंबर के करीब ये आंवला आने लगता है दोस्तों। आंवला हमें बड़े साइज़ का लेना है, और ये ध्यान रखिएगा कि आंवला पका हुआ होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आंवला होना चाहिए। हल्का सा जो डार्क ग्रीन होता है, तो वो थोड़ा कच्चा होता है, तो हल्का सा येलो रेडिश में हो जाता है दोस्तों, तो वो आंवला मुझे लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम फोक लेते हैं और अपने सारे आंवले को पिक करके तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही सावधानी से पिक करना होगा, क्योंकि आंवला हाथों से स्लिप करता है और इससे हाथों में चोट लगने का डर रहता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितने अच्छे से आप आंवले को पिक करेंगे, उतना अच्छा आंवला चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा। अब दोस्तों, हम आंवले को पानी में डालते हैं। पानी इतना रखना है कि मेरा आंवला पानी में डूबा रहे। अब इसमें हम थोड़ा सा चूना ऐड करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा चूना लिया है दोस्तों। चूने में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी के साथ साथ हमें कैल्शियम भी मिलेगा। अब हमें चूने को इस तरीके से फेंट लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, और इस तरीके से आंवले में चूने का पानी ऐड कर देना है। और चूने के पानी को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें इसे 9 से 10 घंटे के लिए छोड़ देना है पानी में। अब दोस्तों, आंवले को चूने के पानी में भीगे हुए 9 से 10 घंटा हो गया है दोस्तों। दोस्तों समय का कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा समय कर सकते हैं। और कढ़ाही लेते हैं और उसमें 1 लीटर के करीब पानी डालते हैं, और पानी में उबाल आने तक वेट करते हैं। अब मैं अपने सारे आंवले को, ये जो मैंने सादे पानी में डाला था, एक एक करके मैं सारे आंवले को बाहर निकाल लेती हूँ। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो मुरब्बा आप बनाइएगा, वो बर्तन स्टील या फिर लोहे का नहीं होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि नॉन स्टिक या फिर एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करिएगा। अब ये देखिए, मेरा पानी बॉयल हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें सारे आंवले को डाल देते हैं। हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ देते हैं। अब ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, और हम अपने सारे आंवले को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने सारे आंवले को गर्म पानी से बाहर निकाल ली हूँ। अब मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि दिसंबर या जनवरी में मैं मुरब्बा बनाती हूँ, तो धूप नहीं बदली सी हो जाती है, तो उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है बनाने में। तो मैं उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैं ये एक आंवला लेती हूँ हाथों में, और उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी बनाती हूँ, और धीरे धीरे जो पानी आंवले में एब्जॉर्ब हुआ है, वो मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से पानी जो एब्जॉर्ब हुआ था, वो निकल गया है आंवले से। अब दोस्तों, मैं वापस से कढ़ाई रखती हूँ, और ये जो मैंने आंवला अभी निचोड़ के पानी निकाला है उस आंवले से, उसको मैं कढ़ाई में डालती हूँ। और दोस्तों, मेरा आंवला 1 किलो के करीब था, तो मैं 1 ही किलो के करीब चीनी लूँगी। चीनी दोस्तों कम नहीं रखिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे। और ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, और बिल्कुल ज़रा सा 3 से 4 चम्मच पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ दोस्तों, ताकि मेरी तले से चीनी जो है चिपके नहीं। कभी कभी क्या होता है कि चीनी तले से चिपकने लगती है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहते हैं, और देखिए मेरी चीनी मेल्ट हो गई है दोस्तों। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो जाएगी।
अब दोस्तों हम इसको ढक देते हैं, इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहते हैं। ये देखिए अभी मेरा मुरब्बा बिल्कुल बनके तैयार नहीं है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ़्ट हुआ है, लेकिन अभी मैं वापस से इसको ढक देती हूँ। जब मेरा मुरब्बा बनेगा ना दोस्तों तो बिल्कुल एकदम गुलाब जामुन जैसा दिखने में लगेगा, तो मैं वापस से इसको ढक देती हूँ। तब तक ये मैं 8 से 10 इलायची ली हूँ, उसको छील के उसको मोटा दरदरा कूट लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा गुलाब जामुन जैसा मुरब्बा बनके तैयार हो गया है और मैं इसमें ये कूटी हुई इलायची डाल देती हूँ। अब दोस्तों हम ये इलायची डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए मेरा मुरब्बा बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको किसी को खाने को नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना ज़्यादा देखिए चाशनी एब्जॉर्ब हुई है। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुआ है मेरा मुरब्बा, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सी सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।